नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन जॉब लाइन पर। और दोस्तों, आपके जो 7 जुलाई को सुबह 9:30 से 12 बजे तक सीटेट का फर्स्ट पेपर हुआ है, उसमें 5 से 6% आपके ऐसे हैं जिनके आपको बोनस अंक मिलेंगे। दोस्तों, आप सभी ने अपने पेपर की आंसर की मिला ली होगी, और जिन्होंने नहीं मिलाई है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर का आपको लिंक दिया हुआ है, और दोनों पेपर की आंसर की भी हमने आपको PDF में उपलब्ध करवा रखी है। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.educationjobline.com जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप इस वेबसाइट पर जाकर भी दोनों पेपर और दोनों पेपर की आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे विशेषज्ञों की टीम द्वारा सभी प्रश्नों का गहनता से अध्ययन किया गया है, और हमें फर्स्ट पेपर में 5 ऐसे प्रश्न मिले हैं जिन पर आपको बोनस अंक मिल सकता है। दोस्तों, सेकंड पेपर को भी हमने देखा नहीं है, सेकंड पेपर का वीडियो भी हम जल्दी आपको बता देंगे कि सेकंड पेपर में भी किन किन प्रश्नों पर आपको बोनस अंक मिलेगा। फिलहाल हम आपको फर्स्ट पेपर के लिए बता रहे हैं कि जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से 5 प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में जो घंटी का आइकन है उसे आप जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिल सके। तो यहाँ पर दोस्तों, फिलहाल जो हमें सबसे अधिक डाउट है वो प्रश्न हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रश्न नंबर 24, ये आपके क्यू सीरीज का है। आपके सीरीज में यह प्रश्न अलग नंबर पे हो सकता है, लेकिन जो आपकी क्यू सीरीज है उसमें यह प्रश्न आपके 24 नंबर पे है, और इसमें लिखा हुआ है कि चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है। तो इस प्रश्न में दोस्तों, आपके जो ऑप्शन नंबर 2 है ये आपके राइट है, वहीं इसमें ऑप्शन नंबर 4 भी राइट है, यानी ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों इसमें राइट है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न में आपको बोनस अंक मिल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा 33वां प्रश्न है, ये भी आपके क्यू सीरीज का है। तो इसमें यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे राइट नहीं है। कुछ हद तक ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट हो सकता है, लेकिन यह भी पूरी तरह से सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 33 पर आपको बोनस अंक मिल सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 38, आपकी सीरीज में यह अलग हो सकता है, हम बात कर रहे हैं क्यू सीरीज की। 38 नंबर में है, इसमें दिया हुआ है कि एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है कि 25 टाइलों को सभी संभव आयताकार व्यू में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ प्रश्न नंबर 38 में आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है ये राइट है, और ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे राइट है। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों यहाँ पे राइट है दोस्तों, इसलिए आपको प्रश्न नंबर 38 में भी आपको बोनस अंक मिल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका 103, और ये अभी आपके क्यू सीरीज का ही है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है, और इस प्रश्न का दोस्तों जो आंसर होगा आपके वो होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। दोनों ऑप्शन यहाँ पे राइट हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आपको इस प्रश्न में भी आपको बोनस अंक यहाँ पे मिल सकता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों 120वां प्रश्न, ये भी आपके क्यू सीरीज का है। आप अपनी सीरीज के हिसाब से ये प्रश्न आप देख सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों ऑप्शन आपके गलत हैं, इसलिए इस प्रश्न में भी आपको बोनस अंक मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको किसी अन्य प्रश्न पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट में अपने पेपर सेट का नाम और अपने क्वेश्चन की संख्या लिखकर हमें जरूर कमेंट करें, ताकि हम उस पर भी विचार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।